जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स बनाया जा रहा है और इसी के साथ में दरगाह के अंदर का क्या माहौल है और पूरी इंक्वायरी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और इसी के साथ में अजमेर शरीफ में आज मखराने की चादर वगैरह भी पेश हुई है, तो आप लोगों को सब लाइव नज़ारा दिखाएंगे। इसी के साथ में आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दिखाते आप तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये जो चादर है मखराना वालों की तरफ से पेश होती है, वाकई चलते हो और भी काफ़ी सारी चादरें पेश होगी। दिल्ली गेट से लेके आप लोगों को दरगाह के अंदर तक का लाइव दीदार करवाएंगे, वाकई चलते हो और आप लोगों को दिखाते हैं आगे। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमें धान मंडी, तो आप लोगों को पता ही होगा अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स बनाया जा रहा है। इसी के मौके पर यहाँ पर अजमेर शरीफ में किस प्रकार का माहौल रहता है उर्स के मेले में, आप लोगों को लाइव दिखाएंगे और आगे चलते हो और आप लोगों को आगे भी दिखाते हैं। अभी हमें धान मंडी और धान मंडी से लेकर आप लोगों को दरगाह के अंदर तक का माहौल दिखाएंगे और किस प्रकार जन्नती दरवाज़ा खुला है वो भी दिखाएंगे और वहाँ से चादर वगैरह पेश होती है वो सब आप लोगों को। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमें धान मंडी, आप लोगों को पता ही होगा अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स बनाया जाता है। इसी के मौके पर उर्स के मेले में किस प्रकार का माहौल रहता है और कितनी सिक्योरिटी रहती है और वो सब आप लोग दिखाएंगे और इसी के साथ में आप लोगों को अजमेर शरीफ में मेन दरगाह का माहौल दिखाएंगे और अंदर भी लेकर चलेंगे आप लोगों को, किस प्रकार का माहौल है और जन्नती दरवाज़ा भी खुला हुआ है अभी, वो उसका भी दीदार करवाएंगे लाइव। तो जैसे कि दोस्तों अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर लाखों करोड़ों पब्लिक आती है अजमेर शरीफ में उर्स मनाने और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी पब्लिक आई हुई है और यहाँ पर जंजीर वगैरह लगा दी जाती है ताकि ज़्यादा पब्लिक बिछड़े ना और ज़्यादा आने जाने में पब्लिक को दिक्कत ना हो, तो इसलिए दो तरफ रास्ता बांट दिया जाता है। बाकी आगे चलते और आप लोगों को दिखाता आगे का नज़ारा। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों की जानकारी भी बता दी जाए, अजमेर में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आते रहते हैं और इसी के साथ में अभी काजल पटेल अभी तो किस तरीके से लोग उनके साथ में फ़ोटो वगैरह और सेल्फी वगैरह ले रहे हैं आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि आप लोग अभी नज़ारे देख रहे हो, मोटी कटला के सामने का नज़ारा है दरगाह का, आप लोग दीदार कर रहे हो लाइव, आके आगे चलते हो और आप लोगों को आगे से भी लाइव दीदार करवाते हैं दरगाह का। और ये आप लोग रास्ता दे रहे हो, ये मोटी कटला की तरफ जाता है और वाकई आगे चलते हो और आप लोगों को नज़ारे दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश होने जा रही है, वाकई हम अंदर भी चलेंगे और आप लोगों को अंदर से भी नज़ारा दिखाएंगे किस तरीके का माहौल है दरगाह के अंदर का। वाकई अभी चादर पेश हो रही है, आगे चलते हो और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का भी रहना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसके मेले पे काफ़ी सारी पुलिस की सेना तैनात रहती है, आप लोग देख सकते हो बैरिकेड लगा के पुलिस वालों को ऊपर भी बैठा दिया जाता है ताकि जेब कतरा या कोई भी हो तो उनके ऊपर ये नज़र रख सके और कोई भी किसी भी प्रकार की वारदात ना हो सके। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे पुलिस की कर्मी किस प्रकार से सब पर नज़र रखते हैं कि कोई भी जेब कतरा किसी भी प्रकार की हलचल हो तो उनको जाके फटाफट पकड़ सके और किसी भी प्रकार की वारदात वगैरह ना हो। वाकई अंदर चलते हो और आप लोगों को अंदर का भी माहौल दिखाएंगे और ये ख्वाजा गरीब नवाज का बाहर का गेट का नज़ारा है, वाकई आप लोग देख सकते हो उर्स के मेले में कुछ इस प्रकार का माहौल रहता है और वाकई चलते और दिखाता आप लोगों को आगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने निजामुद्दीन गेट और काफ़ी अच्छी सजावट की जाती है उर्स के मेले में, वाकई अंदर से दीदार करवाता है आप लोगों को। तो जैसे कि दोस्तों हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के अंदर पहुँच चुके हैं, वाकई उर्स में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक के बाद एक चादर पेश होती रहती है, वाकई आप तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो उर्स के मेले में दरगाह को काफ़ी सुंदर सजा दिया जाता है, बाकी आप लोग ये लाइव दीदार कर रहे हो, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता लाइव दीदार कर पाना। और इसी के साथ में जो कोई भी अजमेर शरीफ नहीं आ पाया इस बार उर्स में, तो आप उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अजमेर शरीफ का लाइव दीदार कर पाए और इसी के साथ में उनकी जो भी तमाम मन्नतें हैं वो सब पूरी हो जाए, हम दुआ करेंगे अजमेर शरीफ में उनके लिए। तो आप लोग ये वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, आपके पास जो भी है व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोग किसी भी चीज़ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक के बाद एक चादर आती रहती है अजमेर शरीफ में उसके मेले में, बाकी आप लोग दीदार कर सकते हो। और इसी के साथ में आप लोग जो कोई भी अजमेर शरीफ नहीं आ पाया उन लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि उनको अजमेर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपडेट मिलती रहे। बाकी अंदर चलते और अंदर का नज़ारा दिखाता हूं आपको। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो दरगाह के अंदर का मंजर है और आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी चादरें पेश होती है और यहाँ पर बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी की चादर आती रहती है, जैसे प्रधानमंत्री की भी चादर आ चुकी है और अशोक गहलोत की भी चादर आ चुकी है। और बाकी ऊपर चलते और आप लोगों को ऊपर से दिखाते हैं मॉल। और बाकी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लाइट डेकोरेशन वगैरह किया जाता है अजमेर शरीफ में। तो जो कोई भी अजमेर शरीफ उसमें आ नहीं पाया तो वो अगली बार हम दुआ करेंगे उसके लिए कि अगली बार ज़रूर आ पाए अजमेर उर्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो जैसे कि दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं डेक की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो ये बड़ी डेक है और इसमें उर्स के मेले में काफ़ी सारा चढ़ावा आता है और आप लोग देख सकते हो इसमें सोना चांदी सब चीज़ें चढ़ती।